हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी खराब फुटेज को हम किस तरह से एक अच्छा फुटेज बना सकते हैं। जैसे ये हमारी फुटेज है, इसको आप इस तरह से किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो इसके लिए हमने लिया है फोटोशॉप CS6 और कोई भी हम वीडियो फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ये फाइल ओपन कर ली है, तो सबसे पहले इसको प्ले करते हैं। स्पेस दबाएंगे इस तरह से, तो ये हमारी फुटेज ये ख़राब लग रही है बिल्कुल भी। अब इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। इसके अंदर पहले स्लो मोशन दे देते हैं, जैसे राइट क्लिक करेंगे और इसकी स्पीड यहाँ से कम कर देंगे इस तरह से, और इसको स्पेस से प्ले करेंगे इस तरह से। यहाँ पे जाएंगे न्यू वीडियो ग्रुप पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये एक नया टाइमलाइन बन जाएगा। अब इसके अंदर हम क्लाउड ऐड करेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और कोई भी फोटो ले आएंगे इस तरह से। ये मैंने फोटो रखी है, ओपन करेंगे इसको और इसको यहाँ तक, इसको जहाँ तक हमारी फुटेज है इसको बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इस फोटो को यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर ले आएंगे, क्लाउड को यहाँ तक रख लेंगे, ओके करेंगे इस तरह से। अब नंबर की सेज के अंदर हम पैड देते हैं और इस फोटो को देख लेते हैं कि ये कहाँ तक हम इसको फिट कर सकते हैं। इसे हमने 3 नंबर की दबाया तो ये इस तरह का हमारे पास बन गया। अब हम इरेज टूल में जाएंगे और यहाँ से 60 का हम इरेज ले आएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे इस तरह से, राइट ब्रैकेट से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे इस तरह से। इरेज करके इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसे ये फुटेज भी हमें रखनी है तो ये इस तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब लेफ्ट ब्रैकेट से इरेज को छोटा करके और फुटेज को हम जूम कर लेते हैं कंट्रोल और स्पेस दबा के इस तरह से, और यहाँ से भी इरेज से डिलीट कर देते हैं इस तरह से। ये दोस्तों इसके पीछे जो फोटो है हम उसको इरेज कर रहे हैं, जिसे हमें ये रखना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके और ये भी हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर रख लेंगे इस तरह से। यहाँ तक ये हम इसको इरेज कर देंगे इस तरह से। नंबर की से इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेंगे, जैसे 5 नंबर की दबाएंगे यहाँ 6 नंबर। विंडो के अंदर जाएंगे एडजस्टमेंट, और यहाँ से पहले इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से, ये तो ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी इसको थोड़ा बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लेंगे इस तरह से। अब इस वीडियो को हम प्ले करेंगे स्पेस दबा के इस तरह से। लेयर 1 को भी आप लेवल के अंदर जाके यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर ये थोड़ा इमेज हमें इरेज करने वाला हमारा रह गया इस तरह से। इरेज टूल के अंदर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देंगे इसको इस तरह से। इस तरह से नया हम टाइमलाइन लेंगे, एक नई फाइल लेंगे, कंट्रोल एन करेंगे, ओके करेंगे, शिफ्ट और बैकस्पेस से ये यहाँ से कलर उठाएंगे नीले रंग का, ओके करेंगे, शिफ्ट और बैकस्पेस दबाएंगे इस तरह से। अब इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स करेंगे, वापस अपने टाइमलाइन में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, पूरा बढ़ा लेंगे यहाँ तक। अब हम इसके अंदर नंबर की से 3 नंबर की हम दबा देंगे इस तरह से, तो इसकी ओपेसिटी ये 3 नंबर तक हो गई। अब इसको F7 दबाएंगे और यहाँ से नॉर्मल के बजाय ल्यूमिनिसिटी कर देंगे इस तरह से, इस तरह से इसको इस तरह से यहाँ से कम कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर नई टाइमलाइन ऐड करेंगे। यहाँ क्लिक करके न्यू वीडियो ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लैक रंग उठा लेंगे और नई फाइल लेके
नई फाइल लेंगे और शिफ्ट और बैकस्पेस से ब्लैक कलर यहाँ से भर देंगे। अब कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल एक्स करके अपनी वापस टाइमलाइन पे आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ इस टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह से इतना सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब स्पेस दबा के इसको प्ले करेंगे इस तरह से। करेंगे अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो। यहाँ फाइल का नाम दे देंगे और यहाँ से जहाँ हमें रखना है उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, हाई क्वालिटी इसकी रखेंगे, ऑल फ्रेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेंडर कर देंगे, यहाँ से सिंपल इसको रेंडर कर देंगे। तो ये पहले की फुटेज हमारी इस तरह से थी, और मिक्सिंग होने के बाद ये फुटेज इस तरह की हो गई।